नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। फिलहाल में एग्जामिनेशन के फॉर्म्स निकल चुके हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन अगर एग्जाम के फॉर्म में आपने गड़बड़ी कर दी है, अगर एग्जाम का फॉर्म आपने भर दिया और उसमें कोई गड़बड़ी होगी, उसको करेक्शन कैसे करेंगे, ये सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं हूँ आईसीआई की वेबसाइट पे, और यहाँ पे इस वेबसाइट में आपको लिंक मिल जाएगा नीचे इस वीडियो के। आप मैंने लिंक वो शेयर कर रखा है, मैं लिंक आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है आईसीआई एग्ज़ाम की, अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो ये करेक्शन विंडो की डिटेल्स हैं, ये आप वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे इन केस अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी कर रखी है, तो जिस विंडो से जाकर के अपना एग्ज़ाम फॉर्म, जिस वेबसाइट से जाकर के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, यानी कि ये वाली वेबसाइट ICIExam.ICI.org, इस वेबसाइट से जाकर के आपको यहाँ पे जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म्स फिल हो जाएंगे, उसके बाद कुछ दिनों बाद, जैसे कि फिलहाल में भी तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, मोस्ट प्रोबली कुछ दिनों बाद यहाँ पे आपको हाईलाइट दिख जाएगा करेक्शन विंडो। तो करेक्शन विंडो के थ्रू आपको जाना होगा, मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है इसमें। देखिए, और गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियोज़ की। यहाँ पे देखिए, इन केस अगर कोई आपने एरर कर रखी है, कोई भी एरर कर दी है, तो यहाँ पे आपको सुधारने का उसको मौका मिलता है आईसीआई के थ्रू, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। आईसीआई को भी पता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, एरर हो जाए। यहाँ पे ये वेबसाइट है HTTP और देन ICIExam.ICI.org, यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये डेट तो बहुत पहले की है, ये इस डेट पे आप ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे ये विंडो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर रखा है, ठीक है। देन फ्रेश सबमिट के लिए ये विंडो नहीं होती है। यहाँ पे आपको लॉग इन करना है कैसे, आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म जो फिल करते हैं, तो आपको बार कोड या कंट्रोल नंबर उस पर मिला होता है, तो वो देन पिन जो आप डालते हैं, जैसे आपने जो भी 4 डिजिट का जो पिन होता है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम पे, वो एंड देन डेट ऑफ बर्थ, तो 3 चीज़ें आपको फीड करनी होंगी और आप इस विंडो से लॉग इन कर लेंगे। देन यहाँ पे क्या होगा कि आपको फॉलोइंग डिटेल जो है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगी। अब स्क्रीन पे आपको जो दिखेगा, नेम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और कौन से ग्रुप में या कौन सा मीडियम है या कौन सा सेंटर है आपने ऑप्ट करा हुआ है, वो देखेगा। अब यहाँ पर जो चेंजेस कर पाएंगे ऑनलाइन आप, ये सारी चीज़ें हैं। सिटी, जो आपने सिटी सेलेक्ट करा हुआ है, सिटी चेंज कर पाएंगे। देन कौन से ग्रुप आपने ऑप्ट करा हुआ है, तो वो ग्रुप आप चेंज कर पाएंगे। देन मीडियम, हिंदी या इंग्लिश, कौन सा मीडियम आप देना चाहते हैं एग्जामिनेशन, देन आप वो चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि आपने जो सिटी ऑप्ट करी हुई है, तो यहाँ पे आप इंटरनेशनली कोई अब्रॉड का सेंटर चूज़ नहीं कर सकते हैं, डोमेस्टिक सेंटर ही आपको चूज़, मतलब जैसे कि आपने डोमेस्टिक सेंटर आप चेंज करना चाहते हैं, तो केवल डोमेस्टिक सेंटर ही चेंज कर सकते हैं, इंटरनेशनल में नहीं जा सकते। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया में हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं काठमांडू में, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। अब ग्रुप की बात करें, तो सिंगल ग्रुप टू बोथ ग्रुप इज़ नॉट परमिटेड। मतलब आप मान लीजिए कि अभी आपने सिंगल ग्रुप के लिए फॉर्म भर दिया, लेकिन बाद में चाहें कि बोथ ग्रुप के लिए जाना करेक्शन विंडो के थ्रू, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ग्रुप 1 टू ग्रुप 2, आप मतलब ग्रुप 1 में अगर आपने एम करा है, ग्रुप 1 मेरे को देना है, उस टाइम पे आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन करेक्शन विंडो से आप ग्रुप 2 करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, लेकिन बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये परमिटेड नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप चाहें तो तीनों चेंज कर सकते हैं, तीनों इन द सेंस कि सिटी भी चाहें तो सिटी चेंज कर सकते हैं, ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, मीडियम भी चेंज कर सकते हैं, और चाहें तो कोई एक भी चेंज कर सकते हैं। तो मतलब सेवरली और यहाँ पे दिया हुआ है कि जॉइंटली और सेवरली, तो आप चेंज कर सकते हैं, तीनों चाहें तो साथ में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको एक लेटर लिख के देना होगा। यहाँ पर देखिए, एक बार आपने करेक्शन जब कर दिया, तो करेक्शन करने के बाद एक बार सबमिट कर दिया, उसके बाद चेंज फर्दर अलाउड नहीं है, तो फाइनल जो करेक्शन है वो करेक्शन एकदम हो जाएगी, फाइनल करेक्शन होती है करेक्शन विंडो के थ्रू, उसके बाद वो चेंज आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ए हैंड राइटिंग एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड ड्यूली साइंड बाई हिम सीकिंग द करेक्शन रिक्वायर्ड।
तो जो भी आपको करेक्शन करने हैं, तो आपने तो ऑनलाइन कर दिया, उसके बाद आपको एक स्कैन कॉपी भी, मतलब हैंड राइटिंग एप्लीकेशन और आपका साइन करके, और आपको कौन कौन से करेक्शंस चाहिए वो सारा लिख करके, और आपको साइट पे अपलोड करना पड़ेगा करेक्शन विंडो में, एंड उसके बाद सबमिट करके, आपको उसके लिए कोई फी चार्ज नहीं होती है करेक्शन करने के लिए, करेक्शन आप कर सकते हैं। देन इन केस अगर मान लीजिए कि आपका कुछ ऐसा है कि फिजिकली आपने जा करके वहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा हुआ है, ऑनलाइन आपने सबमिट नहीं करा हुआ है, तो भी आपको ऑनलाइन ही करेक्शन करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो करेक्शन होती है वो फाइनल सबमिशन मानी जाती है, तो ऑनलाइन ही आप सबमिट करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि अगर आपने OMR फॉर्म जो भरा हुआ है वो फिजिकली जाकर के इंस्टीट्यूट में सबमिट करा था, मतलब फिजिकली सारा का सारा काम करा था, ऑनलाइन कुछ आपने नहीं करा था, और वहाँ पे कुछ आपके नेम में या स्पेलिंग में या कुछ ऐसी चीज़ों में, रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ ऐसी गलती हो गई है, तो यहाँ पे मेल IDs दी गई हैं, फाइनल अंडरस्कोर, अगर फाइनल के कैंडिडेट हैं तो फाइनल अंडरस्कोर एग्ज़ाम हेल्पलाइन डॉट आई एट ICI.in, देन इंटरमीडिएट है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट अंडरस्कोर एग्ज़ाम हेल्पलाइन एट द रेट ICI.in। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप इनको मेल कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो भी आप यहाँ पे मेल इनको लिख सकते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो इंटरमीडिएट अंडरस्कोर एग्ज़ाम हेल्पलाइन, अगर आप फाइनल में हैं तो फाइनल अंडरस्कोर एग्ज़ाम हेल्पलाइन डॉट इन। तो ये छोटी सी डिटेल्स थी, अगर हो सके तो वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि सभी को पता चल पाए, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, कभी ना कभी हो सकता है कि इन फ्यूचर गलती हो जाए, और अगर हमें पता ना हो कि ये इसको सुधारनी कैसी है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम पे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।